मान लीजिए कि आप किसी स्पेसशिप में ट्रैवल कर रहे हैं और आपको अंतरिक्ष में पृथ्वी को देखने का मौका मिला, तो आपको पृथ्वी कैसे दिखाई देगी? क्या ये तेज घूमते हुए लट्टू जैसे दिखेगी या फिर बस नीले और हरे रंग की दिखाई देगी? और अगर अंतरिक्ष में मौजूद बाकी ग्रहों से इसे देखने की कोशिश करें तो इसका आकार कितना छोटा दिखाई देगा? क्या जैसे हमारे पृथ्वी से बाकी ग्रह तारों के जैसे दिखाई देते हैं, उसी तरह दूसरे ग्रह से भी हमारी पृथ्वी तारों की तरह दिखेगी? या फिर दूसरे प्लैनेट से इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है? भले ही आज तक आप स्पेस में नहीं जा पाए हैं, लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम अलग अलग ग्रहों से पृथ्वी कैसे दिखती है यही धरती पर बैठे पता लगा सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। आज हम आपको अलग अलग ग्रह से पृथ्वी की रियल फुटेज दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि आखिर उस पर से पृथ्वी कैसे दिखाई देती है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। ग्रहों से पृथ्वी कैसे दिखती है ये जानने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और बाकी सैटेलाइट से हमारी पृथ्वी कैसे दिखती है। तो अभी जो आप तस्वीर अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, पृथ्वी की वो लाइव फुटेज पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर ISS से ली गई है। इसमें आपको पृथ्वी नीली, हरी, सफेद और भूरी रंग की नजर आ रही होगी। वहीं कहीं कहीं पर आपको दो देशों के बॉर्डर्स भी नजर आ रहे होंगे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये स्पेस स्टेशन पृथ्वी से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। धरती की यह मनमोहक तस्वीर 384,000 किलोमीटर दूर अर्थ के इकलौते नेचुरल सैटेलाइट मून से ली गई है। वैसे तो चांद पर से धरती की कई सारे तस्वीरें निकाली जा चुकी है, लेकिन ये तस्वीर उनमें से खास इसलिए है क्योंकि ये चांद से ली गई धरती की वो पहली तस्वीर है जो कि धरती का हमें क्लियर और कलरफुल व्यू देती है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे सफेद बादलों के चादर में लिपटी नीली धरती अपने अक्ष पर गोल गोल चक्कर लगा रही है। वाकई में यह नजारा अद्भुत है। ये तस्वीर आज से तकरीबन 53 साल पहले 1972 में अपोलो 17 के क्रू मेंबर द्वारा चांद की धरती पर से ली गई थी। और आपको जानकर हैरानी होगी पर इस अद्भुत तस्वीर को साइंटिस्ट ने एक अलग नाम भी दे रखा है, द ब्लू मार्बल। आइए अब एक एक करके अलग अलग ग्रहों से धरती की प्रतिबिंब देखने की कोशिश करते हैं। मरकरी जो कि हमारे सौरमंडल का पहला ग्रह है, वहां से अगर हम धरती को देखने की कोशिश करें तो स्क्रीन पर दिख रहे चमकीले तारों की तरह दिखाई देती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि धरती से मरकरी की दूरी कुल 7,70,00,000 किलोमीटर के आसपास है। आइए अब हम मार्स प्लैनेट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों भले ही मनुष्य अभी तक मार्स की धरती पर अपने कदम नहीं रख पाए हैं, लेकिन उन्होंने कई सारे मिशन सक्सेसफुली मार्स पर भेजे हुए हैं, जिसमें कई सैटेलाइट्स और नासा का रोवर क्यूरियोसिटी भी है। अभी जो आप धरती की ओर चांद की छोटी सी आधी दिखने वाली तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये साल 2007 में मार्स के ऑर्बिट से लिया गया था। वहीं अगर हम क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा लिए गए तस्वीर की बात करें तो वहां से हमारी धरती एक छोटे से तारे की तरह नजर आ जाती है और इसके नीचे ही चांद पृथ्वी से भी छोटे तारे के रूप में नजर आता है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इस विशाल काय अंतरिक्ष में एक छोटे से कण के बराबर भी नहीं है। मार्स के बाद अब बारी आती है जुपिटर से अपने ग्रह पृथ्वी पर झांकने की। अभी जो स्क्रीन पर आपको एक छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा है वो जुपिटर के पास से ली गई पृथ्वी की तस्वीर है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर बढ़ते जा रहे हैं हमारी धरती कैसी बस एक छोटे से डॉट जैसी नजर आने लगती है। वैसे सोच के कितना आश्चर्य लगता है ना कि इसी छोटी सी डॉट पर करोड़ों मानव जीव जंतु पेड़ पौधे रहते हैं। जुपिटर को पार करने के बाद अब हम आ पहुंचे क्वीन ऑफ प्लैनेट्स कहे जाने वाले सैटर्न के पास, जो कि अपने रिंग्स की वजह से हमारे सौरमंडल का सबसे खूबसूरत प्लैनेट भी माना जाता है। ये ग्रह हमारी धरती से तकरीबन 1.2 अरब किलोमीटर दूर है जो कि चांद की पृथ्वी से दूरी के लगभग 3,300 गुना ज्यादा है। यानी कि अगर हमें चांद पर से पृथ्वी एक फुटबॉल के आकार जितनी दिखती है तो सैटर्न से हमें उससे 3,300 गुना छोटी दिखाई देगी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे तस्वीर में भी देख सकते हैं। और यहीं अगर आप धरती को नेपच्यून से देखने की कोशिश करेंगे तो वहां से ये इस डॉट से भी छोटी नजर आएगी, मानो अंतरिक्ष में इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। वैसे पृथ्वी की एक आइकॉनिक तस्वीर आज से 33 साल पहले 14 फरवरी 1990 को नासा के वॉयजर 1 स्पेसक्राफ्ट द्वारा भी ली गई थी, जहां से धरती एक बेहद महीन नीले डॉट की तरह दिख रही थी। ये तस्वीर पृथ्वी से 6 अरब किलोमीटर दूर से ली गई थी। आपको बता दें अभी वॉयजर 1 हमारे सौरमंडल से बाहर जा चुका है और इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका है, इसलिए नासा ने इसके कैमरे को अभी बंद कर दिया है ताकि सालों बाद इसे दोबारा से ऑन किया जा सके और किसी अन्य सोलर सिस्टम का पता लगाया जा सके। हालांकि इसमें भी कई सौ साल या कई हजार साल भी लग सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अलग अलग ग्रहों से पृथ्वी कैसी दिखती है इसका अनुभव जरूर हो गया होगा। अंत में हम बस यही कहना चाहेंगे कि अन्य ग्रहों के काफी दूर होने की वजह से लगभग सभी ग्रहों से पृथ्वी एक छोटे से नीले रंग के तारे की तरह नजर आती है जिस पर पूरी एक सभ्यता बसती है। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए KS ज्ञान चैनल। लेट द मिस्ट्रीज अनफोल्ड।